बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मास्टर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप और उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बनती हैं घर पर, और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ख़ासतौर पर जो हमारे बड़े हैं उनकी तो ये बहुत मोस्ट फेवरेट होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें टिक्कियाँ बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ मेरे पास एक कप मैदा है, एक कप पिसी हुई चीनी है, और ये घर की चीनी है जो मैंने पीस के रखी हुई है, और इसमें मैं शामिल करूँगी डेढ़ प्याली यानी डेढ़ कप सूजी। इसके अलावा यहाँ मेरे पास आधा कप पिसा हुआ नारियल है, दो खाने के चम्मच सफ़ेद तिल है, आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर है, छोटी इलायची उसका पाउडर है ये, और एक चुटकी ही लीजिएगा, एक चुटकी के करीब मेरे पास मीठा सोडा है यहाँ पर, और ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तीन खाने के चम्मच घी है, जो नॉर्मल घी हमारे घरों में यूज़ होता है वही है, और आधा कप के करीब यहाँ पर मेरे पास फ्रेश मिल्क यानी कि दूध है, जिससे हम ये आटा गूंदेंगे इसका टिक्कियों का। देखिए मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इस तरह से क्रम्स की फॉर्म में आ गया है, और अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ, और आप थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंथते जाएं। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही दूध इसमें यूज़ करेंगे। आटा हमारा गूंद चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और ये मैंने थोड़ा सा हार्ड गूंदा है, सख्त गूंदा है थोड़ा सा, ताकि हम टिक्कियाँ बहुत अच्छे तरीके से बना सकें और उसको कट कर सकें। और दूध की जो भी क्वांटिटी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो पूरा इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो चले अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ यहाँ किचन काउंटर पर, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में रखें। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, और बस अब मैं यहाँ काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी, और उसके ऊपर हम ये बेल कर इसकी टिक्कियाँ काटेंगे। और आप ख्याल रखिएगा कि मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डस्ट करना है, वरना टिक्कियाँ हमारी हार्ड हो जाएंगी। Thank you.
ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कट करके रख दी हैं कटर से टिकिया, और यहाँ मेरे पास ये दो साइज़ के कटर्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा, और ये मैंने छोटे वाले से कट की हैं। आप लोग चाहें तो बड़े से भी कट कर सकते हैं, और अगर कटर्स ना भी हों आपके पास तब भी आप किसी बॉटल के कैप वगैरह से भी टिकिया कट कर सकते हैं जो साइज़ आपको चाहिए। और ये आटा मैंने दोबारा से रोल कर दिया है, अब इसको हम दोबारा से बेल कर इसी तरह से टिकिया कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। तमाम टिकियाँ मैंने काट दी हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी से हमारी कितनी सारी टिकियाँ बन रही हैं, और कुछ मैंने बड़े साइज़ की भी काटी हैं और बाकी जिस तरह से हमारे घर में छोटे साइज़ की पसंद की जाती हैं इस वजह से मैंने छोटे साइज़ में काटी हैं। एक पैन के अंदर मैंने घी डालकर इसको हल्का गर्म कर लिया है, और आप लोग घी में ही फ्राई कीजिएगा इसको। टिकियाँ निकाल कर इस तरह से किसी छन्नी में या किसी स्ट्रेनर में इस तरह से रखें कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे ड्रिप हो जाए, और टिकियाँ हमारी बिल्कुल इस तरह से खस्ता और करारी बनेंगी। और जब तक ये ठंडी ना हो जाए मुकम्मल तौर पर, जब तक ये सर्व नहीं करें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ही खस्ता होती हैं। मीठी टिकियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा बन गई हैं। जो भी क्वान्टिटी मैंने आपको बताई थी उसमें ये इतनी सारी बन जाती हैं। अगर आप बड़े साइज़ की बनाएंगी तब भी काफ़ी सारी बन जाएंगी। तो चलिए मैं आपको एक इसको तोड़कर दिखाती हूँ, और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद ही आप सर्व कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग कितनी खस्ता और कितनी करारी ये बनी है, और बहुत आसानी से आप ये घर में बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चले अब हम चलते हैं अपनी आज की किचन टिप की तरफ। सूजी के अंदर कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग सूजी सिर्फ इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं परचेज़ करते कि उसको रखना और महफूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि सूजी का यूज़ हम सब के घरों में कितना ज़्यादा होता है, ये हमारे खानों में, मीठों में और बेकिंग वगैरह हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। तो चलें आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सी टिप बता रही हूँ, जिस पर अमल करके आप सूजी को बहुत लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप सूजी ख़रीद कर लाएं, या जो भी सूजी आपके घर में मौजूद है, उसको किसी पैन में या कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक इतना भून लें कि उसमें से खुशबू आने लगे। और इसका दूसरा तरीका यह है कि एक ट्रे के ऊपर सारी सूजी फैला दें और इसको तेज़ धूप में कम से कम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक रख दें। और ये हीट पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि सूजी के अंदर से नमी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही वो नमी है जिसकी वजह से सूजी में बहुत जल्द कीड़ा लग जाता है। और जब आप सूजी को इस तरह से हीट दे दें तो एक एयर टाइट जार के अंदर इसको निकाल दें, और यहाँ आप लोगों को ये कुछ साबुत काली मिर्चें नज़र आ रही हैं। तो जब आप जार के अंदर सूजी को निकाल देंगे तो इस तरह से ये 8-10 के करीब साबुत काली मिर्चें आप सूजी के अंदर डाल दें और जार को टाइटली बंद कर दें। तो इस तरीके पर अमल करके आप सूजी को कम से कम 6 महीने तक महफूज कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को आज की ये छोटी सी किचन टिप ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें अब मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ आप लोगों से किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू रेसिपी और किचन टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।